हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इश्यू किया कि अगर किसी पार्टी के जीएसटीआर 2A और 3B में डिफरेंस है, पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंशियल ईयर्स 2017-18 एंड 18-19, तो उसको कैसे डील करना है। और ये सर्कुलर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन ये सर्कुलर ना तो कोई नई लाइबिलिटी फास्टन करता है और ना ही कोई पुरानी लाइबिलिटी वेव करता है। आईटीसी मिसमैच के अगर कोई भी केसेस हैं, तो वो एज पर एक्ट और रूल्स ही गवर्न होंगे। ये सर्कुलर उन प्रोविजंस में कोई भी चेंज नहीं लाया है, उनके लीगल इंटरप्रिटेशन में भी कोई चेंज लेकर नहीं आया है। तो फिर आप ये पूछेंगे, ये सर्कुलर लाया ही क्यों गया, इसका पर्पस क्या है। ये सर्कुलर प्योरली एक फैसिलिटेशन मेजर है कि बोनाफाइडी टैक्स पेयर्स को लीगल हैसल से बचाया जाए। एक्चुअली जब जीएसटी इनिशियली आया था, तो देयर वर होस्ट ऑफ इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज थे। लेट 2019 तक जीएसटीआर 2A भी नहीं आई थी, टैक्स पेयर्स इतने टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सेवी नहीं थे, तो ऑलमोस्ट हर पार्टी के 2A और 3B में आपको मिसमैच मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हर पार्टी के आईटीसी में आपको मिसमैच का इशू मिल जाएगा, लेकिन ना तो सरकार के पास इतनी मैन पावर, टाइम और एनर्जी है कि वो हर केस में प्रोसीड करे, एडजुडिकेट करे, इस तरह से जो एक्चुअल फ्रॉडस्टर्स हैं वो बचकर निकल जाएंगे। ना ही सरकार चाहती है कि बोनाफाइडी असेसीज को लीगल हैसल में वो फंसाए। इसी वजह से ये सर्कुलर ये ऐसी गाइडलाइंस लेकर आया है। सबसे पहले तो इन गाइडलाइंस की जरूरत क्या पड़ी। अगर एक रिवेन्यू ऑफिसर, जनरली लोअर रैंक रिवेन्यू ऑफिशियल के सामने कोई आईटीसी मिसमैच का केस आता है और उसे दिख भी रहा है कि वो पार्टी जेन्युइन है, वो बोनाफाइडी पार्टी है, और अगर वो उसे छोड़ने की सोचता है या छोड़ देता है, तो हायर अप्स उस पर शक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो लोअर रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। तो हायर ऑफिशियल्स उस पर शक करेंगे कि क्यों उसने वो केस रिपोर्ट नहीं किया। इस वजह से उस पार्टी की जेन्युइननेस देखते हुए भी वो उसके अगेंस्ट प्रोसीड करता है, सो दैट द मैटर कम्स इन द नोटिस ऑफ हायर ऑफिशियल्स। बट आफ्टर दिस सर्कुलर एंड आफ्टर दीज इलैबोरेट गाइडलाइंस, उसे एम्पावर कर दिया है कि अगर वो बोनाफाइडी पार्टी है, बोनाफाइडी केस है, जेन्युइन केस है, तो वो उसके अगेंस्ट प्रोसीड ना करे, उसे लीगल हैसल से दूर रखे। अब वो ऑफिसर आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये बोनाफाइडी केस है या नहीं है। उसके लिए ये सर्कुलर कहता है कि जब भी कभी आपके सामने आईटीसी मिसमैच का केस आता है, तो आप देखो कि वहां पर 16(2) की कंडीशन फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। क्या उस पार्टी के पास माल आया, क्या उस पार्टी के पास इनवॉइस आया या कोई और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट आया, और क्या उसने विद इन 180 डेज उसकी पेमेंट कर दी या नहीं कर दी। और जब आपको लगे ये सभी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, देन मूव टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, सेक्शन 16(2)(c) की कंडीशन, कि क्या वहां पर टैक्स एक्चुअली पेड है या नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा कि वो टैक्स एक्चुअली पेड है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सर्कुलर कहता है कि आपके सामने जो भी केसेस हैं, उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। पहले वो केस जहां पर आईटीसी मिसमैच का अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है फॉर अ सप्लायर फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। दूसरे वो केस जहां वो आईटीसी मिसमैच का अमाउंट 5 लाख से कम है। अगर वो अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, तो वहां पर आपको अपने सप्लायर के सीए या सीएमए से सर्टिफिकेट लेकर आना होगा कि वो टैक्स एक्चुअली पेड है पर्टेनिंग टू दो सप्लाइज। अगर अमाउंट 5 लाख से कम है, तो वो सर्टिफिकेट आप डायरेक्टली सप्लायर से लाकर दे सकते हो। अब यहां ये सर्कुलर साइलेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स एक्चुअली पेड।
एक सीए, सीए और सीए में ये कैसे सर्टिफाई करेंगे कि वो टैक्स एक्चुअली पेड है या नहीं पेड है? सीए और सीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि वो ये देख लें कि उस सप्लायर की, उस पीरियड की जो 3B की रिटर्न है, जो टोटल है, उसमें वो सप्लाईज इंक्लूडेड है विच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, उनकी वैल्यू वहां इंक्लूडेड है। जो इन्वॉइसेस क्वेश्चन में है उनकी वैल्यू उस सप्लायर की, उस पीरियड की 3B रिटर्न में इंक्लूडेड है, उस टोटल में वो आ रही है। अगर ऐसा है तो सीए एंड सीएमए, सीएमए कैन इजीली सर्टिफाइड दैट टैक्स हैज एक्चुअली बीन पेड। इससे ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो टैक्स अगर उसकी 3B में वो अमाउंट आ गई है, अगर उसने वो टैक्स पे कर दिया है, तो दैट्स इट। फिर भले ही उसके बाद वो वहां पर कोई फ्रॉड हो, कोई कनाइवेंस हो, वो टैक्स अगर ITC से पे किया है तो वो ITC जेन्युइन था, नहीं था, पेपर इनवॉइस था, क्या था, ये सब चेक करना सीए और सीएमए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टी ऐसा सर्टिफिकेट लाने में असफल रहती है, फेल हो जाती है, तो भी उस पर, इस फेलियर के लिए आप कोई नई लाइबिलिटी फास्टन नहीं कर सकते। अगर कोई रिवेन्यू ऑफिसर ऐसा करता है तो वो एक्शन लीगली सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज एज आई सेड, ये सर्कुलर कोई नई लाइबिलिटी फास्टन नहीं कर रहा है। ये सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा है बोनाफाइड मिसमैच के केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि GSTR 2A और 3B में मिसमैच होना इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। क्योंकि इंटरेस्टिंगली 2A और 3B में मिसमैच आपको बोनाफाइडी केसेस में ही मिलेगा, फ्रॉडस्टर के केसेस में नहीं। जिन भी फ्रॉडस्टर्स ने फेक इनवॉइस के स्कैम करे, ये फेक ITC के बड़े बड़े स्कैम करे, GSTR 1 3B के लूपहोल्स का फायदा उठाते हुए, एक बहुत ही इलैबोरेट स्कीम उन्होंने प्रिपेयर की थी, 4-5 रजिस्ट्रेशन लेना, उनमें से एक रजिस्ट्रेशन ऐसे आदमी के नाम पर लेना जो कम्प्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट है, रिवेन्यू ऑफिसर उसके पास पहुंच भी गए तो भी कुछ नहीं मिलेगा, रिक्शा वाला, फैक्ट्री लेबरर, उससे करोड़ों के इनवॉइस इशू करवाना, उसे GSTR 1 में चढ़ाना, जो सामने वाले नेक्स्ट पार्टी के GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो, जिससे वो पूरा ITC क्लेम कर सके। देवर वेरी वेरी केयरफुल कि उनकी GSTR 2A और 3B में कोई मिसमैच ना हो, लेकिन फिर भी सारे फ्रॉड तो उन्होंने ही किए, और ये बात सरकार को समझ भी आती है, इसीलिए वो ये सर्कुलर लेकर आई है कि वो अपनी एनर्जी ऐसे फ्रॉडस्टर्स को कैच करने में लगाए। अदरवाइज ऑल्सो अगर एक प्रैक्टिकली इसको देखेंगे, मान लीजिए मेरा एक सप्लायर है, उससे मैंने 10 कंसाइनमेंट ली, उसने मुझे 10 इनवॉइस इशू करे, जिसमें से 9 तो उसने GSTR 1 में चढ़ा दिए, एक नहीं चढ़ाया। तो अब क्योंकि एक इनवॉइस मेरे GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो क्या उसका ट्रीटमेंट बाकी 9 इनवॉइस से अलग होगा? क्या मेरी लाइबिलिटी एक इनवॉइस के रिगार्डिंग अलग होगी, 9 के रिगार्डिंग अलग होगी? दिस कैन नॉट बी द केस। टू सम अप, कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है इस सर्कुलर से। ये सर्कुलर एक्चुअली एक वेलकम स्टेप है, अगर प्रॉपरली इसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है तो इससे बोनाफाइडी असेसिस को भी हेल्प होगी और रिवेन्यू ऑफिशियल्स की भी टाइम, एनर्जी, मैन पावर सेव होंगे। लीगल पोजीशन में इस सर्कुलर से कोई भी चेंज नहीं आया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।